गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर हम लोग आरबीआई के फंक्शंस को जानेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू को भी हर एक टॉपिक वाइज डील करते जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी से। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं दिखला दूँ आरबीआई का प्रीएम्बल क्या है। यहाँ पर याद रखिएगा, स्टेट्स के तरीके से डिजाइन किया गया है आईबीपीएस पीए मेंस के लिए, साथ में ही आरआरबी पीए मेंस या एसबीआई पीए मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, इन सब के लिए भी आपका कह सकते हैं एक उच्च मानक को ध्यान में रखते हुए तैयार किया। यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रीएम्बल ऑफ आरबीआई की। यहाँ पर हम लोग प्रीएम्बल ऑफ इंडिया यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, हम लोग आरबीआई के प्रीएम्बल की बात करेंगे। आरबीआई के प्रीएम्बल में ये स्पेशली मेंशन है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। यहाँ पर याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं सिर्फ प्रियम्बल से ही। तो जहाँ तक कह रहा है आरबीआई अपने प्रियम्बल में कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राथमिक उद्देश्य है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कीमतों को स्थिर बनाए रखना, या कहेंगे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित रखना, जबकि इन्हें ध्यान में रखना है वाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ कि विकास दर भी बनी रहे और बढ़ती जाए। यहाँ पर याद रखिएगा दो चीजें हैं, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है बच्चों कि आरबीआई का जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम लोग ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। पहला चीज ये है कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यानी कि मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, और दूसरा है स्पीड अप इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना। यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों, ये परस्पर विरोधी या कह सकते हैं डायरेक्टली अपोजिट ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव है। आरबीआई जब जाती है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्रोथ यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने की संभावना रखती है। वहीं पर जब आरबीआई जाती है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, तो दूसरे तरफ से और संभावना होती है कि इसका असर कीमतों के ऊपर पड़े और कीमतें भी बढ़ने लगे। सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि ये उस दूल्हे की तरह है जो तो किसी एक लड़की से ही शादी करने के लिए दौड़ करते हैं। तो ये दो दूल्हे हैं, एक है पहला दूल्हा है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा दूल्हा है ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दो दूल्हे जो है वो किसी एक ही लड़की से शादी करना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है दोनों को खींच कर दो अलग अलग, यहाँ पर याद रखिएगा, दुल्हने प्रदान करें। और पहले दुल्हन है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि कीमतें स्थिर रहे, और दूसरा है कि आर्थिक विकास। तो यहाँ पर ये है हमारा आरबीआई के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक में कि आखिर ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, इस चीज के लिए हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 भी इसे हम लोग कहते हैं, और याद रखिएगा इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2016 में। रिसेंट अमेंडमेंट हमारा आरबीआई एक्ट 1934 में तब अमेंडमेंट किया गया 2016 में, एक बड़ा बदलाव किया गया। हम लोग उस बदलाव की भी चर्चा करेंगे कि क्या 2016 में बदल गया। आरबीआई Entrusted with the responsibility of conducting monetary policy in India, with the primary objectives of maintaining price stability while keeping in the mind of the objective. ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, समझ लिया है मेरे ख्याल से, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी पॉलिसी के पूरे फ्रेमवर्क में चेंज किया गया, ये कब चेंज किया गया, 2016 में चेंज किया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क पर आते हैं हम लोग। मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है? कुछ बच्चों के सवाल दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने तो बताया नहीं कि आरबीआई कब बनी थी, कौन इस पे आरबीआई के गवर्नर थे। तो बच्चों ये मेंस की क्लास है, ये आपका एसएससी एमटीएस के लिए हम लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे प्रश्न है ये अंतिम में आएंगे, लास्ट में हम लोग एक साथ डील कर लेंगे ताकि कोई गफलत ना रहे आप लोगों के बीच में। लेकिन ये मेंस की क्लास है, इस क्लास का यूटिलाइज आप कर सकते हैं पीओ के मेंस में, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ हो, या फिर अगर बात करेंगे तो एक सेक्शन आता है यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का,
ये उसके लिए प्रयोग हो सकता है, ताकि ये आपका अदर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा याद रखिएगा, कह सकते हैं कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन वो लास्ट में उनके हिसाब से दी जाएगी, कि जो हमारे SSC लेवल है या हमारा CGL लेवल है, CHSL लेवल है, MPS लेवल है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्लासेस के लास्ट में या टॉपिक के लास्ट में छोटे छोटे इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए, इन मई 2016 द RBI एक्ट 1934 वाज एमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्टेचरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। 2016 में क्यों परिवर्तन किया गया, क्या परिवर्तन हुआ, इस चीज को आप जानेंगे तो और समझिए कि ये क्या प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है एक स्टेचरी बेसिस। स्टेचरी बेसिस का मतलब हुआ वैधानिक आधार देता है। स्टेचरी बेसिस यानी वैधानिक आधार देता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क के इम्प्लीमेंटेशन के। तो इम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया 2016 में, और RBI को उत्तरदायी बनाया गया इस सारे प्रक्रिया में, जो कि 2016 से पहले RBI का ऑब्जेक्टिव तो था लेकिन वह इनके लिए कंपल्सन नहीं था। अब यहाँ पर कंपल्सन आ गया 2016 इन्फ्लेशन टारगेट। अब यहाँ पर इस मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में इन्फ्लेशन का टारगेट क्या दिया सरकार ने RBI को, ये देखना है हमको। तो अंडर सेक्शन 45ZA, ध्यान रखेंगे ये सेक्शन भी अभी क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं हमारे लगातार, तो इससे सेक्शन को भी याद रखेंगे। तो अंडर सेक्शन 45ZA द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ RBI डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला चीज था उसमें ये क्या किया गया, सबसे पहले यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर ये सारा का सारा इन्फ्लेशन को रखा गया। तो इन्फ्लेशन अगर कहीं मेजर होगा तो कहाँ मेजर होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। इससे पहले हुआ करता था होलसेल प्राइस इंडेक्स पर। इसमें परिवर्तन 2011 में किया गया था मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा, तो जिसमें इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ गया। तो उस समय नया इन्फ्लेशन को एग्जैक्ट मापने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बाजार में है लेकिन WPI में दिखता नहीं था। WPI क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। दो जो थोक मूल्य होते हैं थोक बाजार में, वहां पर के जो प्राइस इंडेक्स हुआ करते थे उससे पहले हम लोग 2011 से पहले 2010 से पहले कैलकुलेट करते थे। लेकिन उससे क्या होता था, मुद्रास्फीति की वास्तविक अवस्था का पता नहीं चल पाता था। नतीजा अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2010 के बाद से, या कह लीजिए 2010 के शुरुआत में आधार मानते हुए CPI लॉन्च किया था। अब इस CPI को लॉन्च किया, अब इसे 2016 में ऑफिशियली RBI के मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में डाल दिया गया कि अब WPI की आपको बात नहीं करनी है, फोकस कहाँ रहेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब RBI से कहा कि भाई इन्फ्लेशन तुमको कम करना है, लेकिन किसका इन्फ्लेशन कम करना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, रिटेल प्राइस का, यानी कि जिस मूल्य पर उपभोक्ता सामान खरीद रहे हैं। अब यहाँ पर इसका जो टारगेट है, वंस इन 5 ईयर एंड नोटिफाई इट्स इट इन ऑफिशियल गैजेट, और इसे 5 साल में एक बार क्या किया जाएगा, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा कि कितना इन्फ्लेशन रहना। अकॉर्डिंग टू ऑन 5 अगस्त 2016 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई इन ऑफिशियल गैजेट 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर याद रखिएगा, ऑफिशियल गैजेट में क्या सरकार ने बताया, 4% कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एज द टारगेट फॉर द पीरियड फ्रॉम अगस्त 5, 2016 टू मार्च 31, 2021। अब यहाँ पर 5 सालों के लिए, अगस्त 2016 में ये फ्रेमवर्क काम करना शुरू करता है 5 अगस्त से, और ये 31 मार्च 2021 तक के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट RBI को दिया गया 4%। 4% किसका, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए। लेकिन RBI को थोड़ी सी छूट दी गई। RBI को क्या छूट दी गई,
विथ द अपर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस लिमिट ऑफ 2%। अब आरबीआई इसमें या कह सकते हैं आरबीआई को इसमें 2% की छूट मिली, 4% की जगह पर वो 6% तक देख सकता है, वहां तक सरकार बर्दाश्त करेगी, और 4% से नीचे 2% तक सरकार बर्दाश्त करेगी। अगर गलती से वो इन्फ्लेशन 6% से ज्यादा होता है कि अब सरकार यह मानेगी कि मौद्रिक नीति असफल हो गई आरबीआई की, यहाँ पर याद रखिएगा ये कंप्लीटली जिम्मा अब आरबीआई का है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के उपाय करें। इससे पहले क्या होता था, जिम्मेदारी तो उसी की होती थी, लेकिन बाइंडिंग है, मोदी जी आए इन्होंने क्या कर दिया, बाइंडिंग डाल दी कि बेटा करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर लिख के दो क्यों नहीं हुआ। और आपको पता ही है लिख के देना बड़ा मुश्किल होता है, बोलने में कुछ भी बोल सकते हैं आप, लेकिन लिख के देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आरबीआई के लिए अगर यहाँ 9 महीने तक 3 मंथ्स के विद अगर ट्राई मंथ तक अगर क्वार्टर तक ये लोग अगर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा उनको ये देना पड़ता है कि भाई मेरी मॉनेटरी पॉलिसी असफल हुई इसके ये कारण। समझते हैं बच्चे, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अब इसी प्रक्रिया को ऑन मार्च 31, 2021, क्योंकि फिर से नरेंद्र मोदी जी सरकार में थे, तो इन्होंने 31 मार्च 2021 को अगले 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया। तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 31, 2026 तक के लिए यही 4% का सीपीआई टारगेट रखा गया है कि मुद्रा स्फीति कितनी होनी चाहिए, 4% होनी चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि अभी 2026 तक भी हमारा टारगेट कितना है, 4%, जिसकी अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% और लोअर टॉलरेंस लिमिट कितनी है, 2%। मेरे ख्याल से पहला पेज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मॉनेटरी पॉलिसी में भी सुधार होंगे। तो मैं जरा इसकी कहानी भी बताता चलूं कि आखिर यह पूरा का पूरा संशोधन क्यों करने को मजबूर हुई थी सरकार, इस चीज को भी मैं बताता चलता। पूरा ये था कि 2013 का मंच था, उस समय हमारे वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम साहब। पी चिदम्बरम साहब आरबीआई से रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो आर्थिक विकास की गति कम हो गई है, अब आप क्या करो, रेपो रेट को कम करो। लेकिन यहाँ पर पी चिदम्बरम की बात मानने से आरबीआई के गवर्नर तैयार नहीं। यहाँ पर याद रखिएगा इन्फ्लेशन की दर उस समय करीब करीब 8 से 9% की होती थी, 2013 की बात में बताऊँ, 8 से 9%। जब 8 से 9% इन्फ्लेशन है, जीडीपी ग्रोथ रेट 5 से 6% के ऊपर है, हालांकि उस समय का जो रिपोर्ट था वो कहता था कि 4% जीडीपी ग्रोथ रेट है उस समय की सरकार के अनुसार। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आई इस चीज को समझिए, आरबीआई फाइनेंस मिनिस्टर की बात को मानने से इनकार कर चुकी है। वो कहती है कि हम अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर ध्यान देंगे, हम आर्थिक विकास के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है आर्थिक सॉरी क्षमा करेंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाए हम लोग आर्थिक विकास के ऊपर फोकस बाद में करेंगे। नतीजा अब यहाँ पर हो क्या रहा था कि आर्थिक विकास धीमा पड़ता जा रहा था, और ये आर्थिक विकास जो जो 2009 में आपका 9 से 10% चला गया था, अब वो गिर के उस समय के आंकड़ों के अनुसार 4% पर था। तो एक प्रकार से सरकार के लिए स्थिति खतरनाक हो गई थी। अब यहाँ पर पी चिदम्बरम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस समय आरबीआई के गवर्नर थे रघु जी राम राजन, वो उनको कह रहे हैं कि भाई देखो तुम क्या करो, रेपो रेट कम करो, रेपो रेट कम करोगे तो कर्जा सस्ता होगा, कर्जा सस्ता होगा तो ज्यादा लोग कर्ज लेंगे जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। लेकिन इसे मानने को तैयार नहीं थे उस समय के तत्कालीन आरबीआई के गवर्नर रघुजी राम राजन। चलिए अब यहाँ पर बात आई कि इस प्रकार से जब पी चिदम्बरम मजबूर हो गए कि भाई आरबीआई सुन नहीं रहा है, तो उन्होंने ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना शुरू किया कि मैंने आरबीआई को रिक्वेस्ट किया है लेकिन आरबीआई मेरी बात नहीं मान रही। अब आप समझिए कि कैसी स्थिति है, एक चुनी हुई सरकार विनम्र भाव से आरबीआई के गवर्नर से रिक्वेस्ट कर रही है और आरबीआई का गवर्नर मानने को तैयार नहीं है, जो कि उसी सरकार के द्वारा नियुक्त है।
पर आरबीआई का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त होता है? केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन वो केंद्र सरकार के मंत्री की बात मानने से इनकार करते हैं। तो यहाँ पर अब आता है कि सारे अनुभवों से सीख लेते हुए 2016 में परिवर्तन कर दिया गया इस मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क में। अब यहाँ पर आरबीआई जो भी कर सकते हैं लिखित रूप से रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मौखिक रूप से तो थी, लेकिन लिखित रूप से ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ करते थे कि अगर 4% की जगह पर इन्फ्लेशन 10% भी था तो आरबीआई को कोई कटघरे में खड़ा नहीं करता था, या सरकार नहीं बोलती थी कि आपने ऐसा कंट्रोल क्यों नहीं किया, और उनको लिख के देना नहीं पड़ता था। वर्बली बातें हो जाती थी, आरबीआई की मर्जी है कि लिख के दे, नहीं मर्जी है ना लिखते दे। लेकिन अब ये जो आ गया अगला सेक्शन हमारा 45Z भी, अब ये है आपका इस पूरे के पूरे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। देखिए क्या कहता है हमारा, आरबीआई एक्ट प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। अब आरबीआई एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया 45Z भी, वह एक 6 मेंबर, कितनी, 6 सदस्यों की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की अनुशंसा करता है। किसके लिए? टू डिटरमाइन पॉलिसी, पॉलिसी रेट्स को निर्धारित करने के लिए। किसके लिए? रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट को पूरा करने के लिए एक 6 लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी होगी। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी बना दी गई, एक कमेटी बनी जो मॉनेटरी पॉलिसी के विषयों को हैंडल करेगी। कितने लोग होंगे इसमें, याद रखिएगा, 6 मेंबर होंगे। अब आपको क्वेश्चन उलट के पूछ सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस सेक्शन या किस एक्ट के ऊपर है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के 45ZB के ऊपर ये है। अब आते हैं फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट। मैंने जैसे अभी पहले चर्चा की कि कौन सी ऐसी अवस्था होगी जिसमें हम लोग यह कह पाएंगे कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी असफल हो गई, फेल हो गई। तो यहाँ पर याद रखिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग एज द फैक्टर ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि अगर हमारा इन्फ्लेशन टारगेट पूरा नहीं हो पाया है तो क्या स्थितियाँ होंगी। द एवरेज इन्फ्लेशन, कह रहा है एवरेज इज इन्फ्लेशन इज मोर देन अपर टॉलरेंस लेवल। अगर एवरेज इन्फ्लेशन अपर टॉलरेंस लेवल यानी 6% से ज्यादा हो, कब तक होगा ये हमारा? ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी थ्री, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर अगर हमारे लगातार 6% से ज्यादा हो इन्फ्लेशन सीपीआई में, तो इसे मान लिया जाएगा कि फेल हो गई है मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ पर द एवरेज इन्फ्लेशन, और दूसरा केस क्या होगा, एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल। अगर ये 2% से नीचे रह जाए 9 महीने तक, 3 क्वार्टर फिर से यहाँ पर है हमारा, याद रखिएगा, लेस देन लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर, तो 3 क्वार्टर तक अगर 2% से नीचे रह जाए फिर भी यह मॉनेटरी पॉलिसी असफल हो जाएगी। क्योंकि आपको पता ही है कि अगर इन्फ्लेशन टारगेट या इन्फ्लेशन 2% से नीचे चला जाता है तो देश रिसेशन यानी मंदी की ओर मूव कर जाएगा। तो इस अवस्था में सीधी सी बात है कि फिर से आरबीआई को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हमारी मौद्रिक नीति असफल हो गई। अब असफल हो गई तो उसे बताना होगा आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करेगी, याद रखिए। तो ये बहुत सख्त कानून है अपने आप में। वेयर द बैंक फेल्स टू मीट इन्फ्लेशन टारगेट इट शैल सेट आउट इन ए रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर जब बैंक, यानी ये बैंक का मतलब है आरबीआई से, जब ये देख लेती है कि उसका इन्फ्लेशन टारगेट पूरा नहीं हो पाया, उसकी मौद्रिक नीति असफल हो गई, तो इट शैल सेट आउट इन ए रिपोर्ट, इसे से क्या करना होगा, व्यक्त करना होगा रिपोर्ट में किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए इस रिपोर्ट में क्या होगा, द रीजन फॉर द फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, क्यों हमारा इन्फ्लेशन टारगेट पूरा नहीं हुआ ये बताना होगा। साथ में रेमेडिकल एक्शन भी बताने होंगे प्रपोज्ड टेकन बाय द बैंक।
आरबीआई कौन कौन से अब रेमिडीज के रूप में एक्शन ले रही है ये भी बताना होगा। अगर नहीं बताए तो भी काम नहीं चलेगा। तो पहला तो ये आरबीआई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हमसे मुद्रा स्फीति नियंत्रित नहीं हुई, महंगाई को हम नियंत्रित नहीं कर पाए। और अब सीधा सा है कि महंगाई को नियंत्रित नहीं कर पाए तो अब क्या है, देखिए ये कदम हम उठा रहे हैं, इन कदमों के बारे में बताना होगा विस्तार से सरकार। एन एस्टिमेट ऑफ द टाइम पीरियड विद इन विच इन्फ्लेशन टारगेट शैल बी अचीव्ड परसुएंट टू टाइमली इंप्लीमेंटेशन और प्रपोज रेमेडिकल एक्शन। साथ में आरबीआई को अब अपना टाइम फ्रेमवर्क देना होगा कि कितने दिनों में मुद्रा स्फीति नियंत्रित हो जाएगी। यहाँ पर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी बताना होगा आरबीआई को कि कितने समय में यह नियंत्रित कर लेगी, क्योंकि अब यहाँ पर आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो हर हालत में सरकार के प्रति जवाबदेह बना दी गई है। पहले भी जवाबदेह थी लेकिन लिखित रूप से देने के लिए नहीं। मीटिंग में बैठते थे, चाय समोसा खाते थे और सर जी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाया। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री भी अच्छा कोई बात नहीं भाई, देखना भाई अगला महीना कर देना भाई, थोड़ा सा ध्यान दो। इस प्रकार की बातें हुआ करती थी, गोलमोल बातें हुआ करती थी। अब इन गोलमोल बातों से काम चलता नहीं। अब आपको सीधा सा क्या करना पड़ेगा, अब आपको लिख के देना पड़ेगा कि मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदया, हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 9 महीने तक असफल रहा है। 9 महीने तक ये 6% से ऊपर रहा है, तो ये लीजिए कारण और इतने दिनों के अंदर हम इसे नियंत्रित करके बताएंगे। और गलती से ना नियंत्रित कर पाए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई के गवर्नर से पूछेगी कि भाई आखिर क्या हुआ तुम्हारा, तो यहाँ पर क्या हुआ तेरा वादा, ये याद कराया जाएगा आरबीआई को। अब यहाँ पर आते हैं, द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एम टू अलाइनिंग द ऑपरेटिंग टारगेट द वेटेड एवरेज और रिस्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ एसबीआईपीओ के लिए। WACR WACR का पहला तो फुल फॉर्म पूछेगा, इससे ज्यादा पूछने की फिलहाल चांसेस नहीं है लेकिन फुल फॉर्म से जरूर पूछेगा। तो WACR का फुल फॉर्म आपने याद रखिएगा, द वेटेड एवरेज फॉल रेट है क्या ये समझते, विथ द पॉलिसी रेपो रेट थ्रू प्रोएक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट फैसिलिटेट ट्रांसमिशन ऑफ रेपो रेट चेंज थ्रू द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम which in turn influence aggregate demand, a key determinant of inflation and growth। तो यहाँ पर अब चीजों पे आपको समझना पड़ेगा। द ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग उस फ्रेमवर्क की जो क्या करेगी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी पे एम करेगी कि हमको ये काम करना है अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो यहाँ पर किसकी सहायता से ये काम होगा, WACR के सहायता से। ये क्या है, इसको अब WACR को किससे जोड़ा गया है, विथ द पॉलिसी रेपो रेट्स। अब ये जुड़ जाता है पॉलिसी रेपो रेट्स से। यहाँ पर याद रखिएगा पॉलिसी रेपो रेट एक प्रोएक्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। किसके लिए है, फैसिलिटेट ए ट्रांसमिशन ऑफ रेपो चेंज, जो भी रेपो में चेंज हो रहा है उसके जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसे स्पष्ट करता है। तो यहाँ पर जो भी रेपो रेट में चेंज होगा उसके परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ेंगे हमारी इकोनॉमी के ऊपर, इन सारी चीजों को फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर वो व्यक्त करता है। तो इस फ्रेमवर्क का आधार होगा WACR। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए अब आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के ऊपर, और रेपो रेट के बारे में समझना है। आने वाले अभी कुछ घंटों में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज रेपो रेट, तो वहां से और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप लोग वेटेड एवरेज कॉल रेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, पॉलिसी रेपो रेट के साथ। फिर सवाल वही है, फिर पॉलिसी रेपो रेट क्या है, तो पॉलिसी रेपो रेट को हम लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल को स्टडी करेंगे तब वहां पर देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं सेक्शन 45ZB। यहाँ पर ऑफ द अमेंडमेंट अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934 टू वाइड एंड इम्पावर 6 मेंबर कमिटी
अब यहाँ पर 6 सदस्यों की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे एमपीसी कहते हैं, इसकी स्थापना करवाता है। कौन सा एक्ट करवाता है? सेक्शन 45 ZB। इसका हिस्सा है ये आरबीआई एक्ट 1934 का ये हिस्सा है। अब इसकी सहायता से एक 6 सदस्य समिति की स्थापना की जाएगी। अब यहाँ पर पहली कमेटी जो बनी थी वो बनी थी सितंबर 29, 2016 को। द प्रेजेंट एनपीसी मेंबर्स एज नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर याद रखिएगा 5 अक्टूबर 2020 तक की अगर बात करेंगे हम लोग, आपको मैं अभी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उस समय के हिसाब से आते हैं कि आपको इस 2020 वाले फ्रेमवर्क को भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि 2020 और 24 दोनों समझना पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या चेंजेस हुए हैं ये भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपके सबसे पहला द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या होगा? चेयरमैन होगा एक्स ऑफिशियो। याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन कौन हो रहा है? गवर्नर आरबीआई। और जो गवर्नर के पद पर रहेगा वही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी चेयरमैन होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्योंकि लिख दिया है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो यानी हिंदी में होता है पदेन, जो पद पर है, जो आरबीआई के गवर्नर के पद पर है वही आरबीआई के गवर्नर का गवर्नर क्या होगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन। चलिए चलिए आगे चलते हैं। दूसरा मेंबर होगा डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। यहाँ पर याद रखिएगा वो डिप्टी गवर्नर जो इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में है लेकिन वो डिप्टी गवर्नर, वो भी इसका हिस्सा होगा। याद रखिएगा यह भी एक्स ऑफिशियो होगा, यानी कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के चार्ज में जिसका डिप्टी गवर्नर है वह इस कमेटी का हिस्सा होगा। तीसरा, वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल बैंक सेंट्रल बोर्ड मेंबर एक्स ऑफिशियो। एक ऑफिसर होगा, ऑफिस का होगा ये आरबीआई का। यहाँ पर याद रखिएगा तीसरा सदस्य क्या हो रहा है हमारा? एक आरबीआई का ही मेंबर होगा, इसे नॉमिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड के द्वारा। याद रखिएगा सेंट्रल बोर्ड भी हमारा आरबीआई में होता है, तो यहाँ पर आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा यह नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मेंबर ये भी एक्स ऑफिशियो होगा जो पद में है। अब यहाँ पर चौथे नंबर प्रोफेसर असीमा गोयल थी उस समय, 2030 की बात है ये। कौन थी? प्रोफेसर गोयल, असीमा गोयल थी। यह इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च की मेंबर रही है। ये सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाए। यहीं पर पांचवें नंबर प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा थे, जो कि अहमदाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के से थे। जबकि छठे मेंबर डॉक्टर शशांक भिड़े थे, ये सीनियर एडवाइजर थे नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली से। तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 सदस्य इसमें से सरकार के द्वारा भेजे जाएंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, 4, 5, 6। याद रखिएगा और पाकिस्तान शुरुआत के जो 3 होंगे वो आरबीआई के होंगे, पहला गवर्नर, दूसरा डिप्टी गवर्नर और तीसरा सेंट्रल बोर्ड के द्वारा एक चयनित व्यक्ति आरबीआई का। तो यहाँ पर आरबीआई के 3 लोग हैं, सरकार के 3 लोग हैं, टोटल हो गए 6 लोग। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस प्रकार से हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन जाएगा। इसकी पहली स्थापना हुई थी 29 सितंबर 2016। अब यहाँ पर याद रखिएगा मेंबर रेफर टू एक्ट 426 एबव, जो चौथे से छठे तक का यानी कि चौथा पांचवा छठा मेंबर था, विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स और अंटिल फर्दर ऑर्डर। यहाँ पर चौथा पांचवा छठा ये 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में। जैसे आरबीआई का गवर्नर है, इनका पद 3 साल का होता है, इस चीज को याद रखेंगे। हालांकि बाद में उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये चीज को याद रखिएगा कि जो चौथे पांचवे और छठे मेंबर थे उनका कार्यकाल आपके 4 वर्षों का होगा। द एमपीसी डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिपो रेट रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट।
अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी, किसे डिटरमाइन करेगी, पॉलिसी रेपो रेट्स को डिटरमाइन करेगी, किसके लिए, रिक्वायर्ड टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट, जिससे मुद्रा स्फीति का टारगेट पूरा किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कब तक होगी, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ईयर, एक साल में 4 बार इन लोगों को मिलना होगा। याद रखेंगे वर्तमान में इसकी बैठक हर एक 2 महीने पर होती है, यानी कि साल भर में ये 6 बैठकें करती है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के साथ। तो यहाँ पर याद रखिएगा, है तो वैसे आपको कह रहा है कि 4 बार कम से कम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये 6 बार होता है हर एक 2 महीने के बाद। फोरम क्या है? द फोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज 4 मेंबर, 4 अगर मेंबर है तो भी फोरम पूरा माना जाएगा और मीटिंग होगी। 6 में से अगर 2 लोग एबसेंट भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर निर्णय 4 लोग मिलकर ले सकते हैं। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज 1 वोट, हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, एंड इन इवेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स, और ये मत सबके बराबर होते हैं, गवर्नर हैज ए सेकेंड और कास्टिंग वोट। लेकिन जब तीन तीन की बराबरी पर बात आता है, मान लीजिए कह रहा है 3 मेंबर की आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को घटाना है, तो घटाना है तो मान लीजिए 6.5% से 3 लोग कह रहे हैं कि 6.25% कर देने का, जबकि 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें 6.5 पर बनाए रखना है। तो यहाँ पर अब तीन तीन का जब डिवीजन हो जाए तो आरबीआई के गवर्नर के पास एक सेकेंड या कास्टिंग वोट का राइट होता है कि वो दूसरी बार वोट दे सके और मामला तय होता है। ऐसा ना हो कि तीन तीन की बराबरी पर टाई हो जाए, तो टाई वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अंतिम में जिम्मेदारी आरबीआई के गवर्नर की ही होगी। ईच मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी राइट से स्टेटमेंट, अब यहाँ पर याद रखिएगा बहुत स्पेसिफिक है, हर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का मेंबर यानी कि सदस्य राइट ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को लिखेगा इसे स्पेसिफाइंग द रीजन, जिसमें वो उस कारण को बताएगा कि क्यों उसने रेपो रेट कम या ज्यादा करने के फेवर में वोट दिया। अगर उसने ज्यादा करने के फेवर में वोट दिया तो वो बताएगा उस पेपर में कि मैंने इस कारण से रेपो रेट को बढ़ाने का निर्णय लिया था या मैंने निर्णय का समर्थन किया था। तो इस प्रकार से हर एक मेंबर को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कलेक्टिव जिम्मेदारी तो है ही, साथ में इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है। तो मेरे ख्याल से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई होगी आप लोगों को। जरा मैंने तो आपको शुरुआत में ही कहा था कि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी आपको कराता हूँ, चलिए 4-5 क्वेश्चन है जरा देख लेते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया? प्यारे बच्चों यहाँ पर याद रखना, जब बात कर रहे हैं चेयरपर्सन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो यहाँ पर याद रखिएगा आरबीआई के गवर्नर, इसका आंसर आरबीआई के गवर्नर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी टूल नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सीआरआर मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, एक्सएलआर है, यहाँ पर याद रखिएगा ओपन मार्केट है, यह भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, लेकिन यहाँ पर बात आ रही है सी नंबर डिपॉजिट फाइनेंसिंग, तो डिपॉजिट फाइनेंसिंग मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बल्कि फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछा गया था इज नॉट द मॉनेटरी टूल, इनमें से कौन सा मौद्रिक टूल नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, द आरबीआई इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द सिचुएशन ऑफ, किस सिचुएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाती है आरबीआई? यहाँ पर याद रखिएगा जब हमारा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसका मतलब है कि उसे अब आरबीआई को इन्फ्लेशन लो करना है, ठीक है? इन्फ्लेशन क्या करना है? लो करना है, इसका आंसर हो जाएगा हायर इन्फ्लेशन। किस कंडीशन में बढ़ाएगी आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को? जब इन्फ्लेशन हाई हो चुका हो, ज्यादा इन्फ्लेशन हो, तो वो क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देगी। क्लियर है मेरे ख्याल से?
अब यहाँ पर देखिएगा, ऑफ द अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड फॉर एन एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्थापना किस एक्ट या किस सेक्शन के ऊपर हुई है? तो यही सेक्शन 45 ZB है इसका आंसर। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन द माइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रेड। ये नंबर इसका आंसर होगा। बाकी सारे भी सही हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा। चलिए आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम आरबीआई के मॉनेटरी टूल्स को पढ़ने का काम करेंगे। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।